विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर ICJ ने रोक लगा दी है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि इंसाफ पर भरोसा करने वालों के लिए ICJ का फैसला नजीर है। पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है और कुलभूषण जाधव को झूठे केस में फंसाया गया है। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और इस मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बड़ी तेजी से फैलता है। इस बीमारी से निपटने के लिए मोदी सरकार पहले ही अलर्ट हो गई है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ब्रीडिंग चेकर की तरह दिल्ली के हौज खास इलाके के घरों में मच्छरों के लार्वा चेक करने और लोगों को जागरूक करने निकले। आपको बता दें कि हर साल हजारों लोग डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के शिकार होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में अहम फैसला सुनाया है। मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट के देखने के बाद कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय दिया है। 2 अगस्त को कोर्ट फैसला लेगा कि इस मामले का हल मध्यस्थता से निकाला जाएगा या रोजाना सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब अनाधिकृत कॉलोनी के मकानों की रजिस्ट्री शुरू होगी। अभी तक इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ धोखा होता रहा है। हमने साल 2015 में प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा था और हमको खुशी हुई कि केंद्र सरकार ने हमारे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज आयकर विभाग ने BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के भाई और पार्टी उपाध्यक्ष आनंद कुमार और उनकी पत्नी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने 400 करोड़ रुपए के एक बेनामी प्लॉट को जब्त किया है। आनंद कुमार के खिलाफ हुई इस कार्रवाई की जांच मायावती तक भी पहुंच सकती है। बाहुबली नेता व पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद के घर समेत 4 ठिकानों पर CBI ने छापेमारी की है। छापेमारी में 8 लाख कैश और कुछ बैंकों के अकाउंट की पासबुक, चेकबुक सहित अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कर उसे देवरिया जेल से जाने और वहां उसकी पिटाई किए जाने के मामले में CBI छापेमारी करने पहुंची थी। फिलहाल फूलपुर से पूर्व सांसद अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद है। साल 2006 में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत की थी, लेकिन अब गरीब रथ एक्सप्रेस जल्द बंद हो सकती है। मोदी सरकार इस ट्रेन में बड़े बदलाव करने जा रही है। गरीब रथ एक्सप्रेस को अब सुपरफास्ट ट्रेन में बदलने की योजना है। आपको बता दें कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले गरीब रथ सफर 40% तक सस्ता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में आई तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया है। अब इसे 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पर लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते इसे रोक दिया गया था। देश की राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम की बस में एक लड़की का टिकटॉक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। लड़की सपना चौधरी के गाने तेरी आँखियाँ का यो काजल पर डांस करती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, बस ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल भी इस गीत का आनंद ले रहे हैं, जबकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है, जिसके कारण बस के ड्राइवर और कंडक्टर को निलंबित कर दिया गया है और मार्शल को सिविल डिफेंस ऑफिस भेज दिया गया है। दिल्ली NCR में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है, इससे मौसम सुहावना हो गया है। आसमान में काले बादल छाए हैं, साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले 2 दिनों तक बारिश का यही सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ICJ में कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर भारत के हाथों हारने के बाद भी पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। बेइज्जती से बचने के लिए पाक PM इमरान खान ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। इमरान ने ट्वीट करते हुए कहा, कमांडर कुलभूषण जाधव को बेगुनाह करार देकर रिहा करने और हिंदुस्तान वापस न भेजने का ICJ का फैसला प्रशंसनीय है। पाकिस्तान अपने कानून के हिसाब से आगे बढ़ेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनास आज अपना 37वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने UP की एक छोटी सी जगह से निकलकर विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रियंका सिर्फ काम को लेकर ही नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी के फैसलों से भी नई मिसाल कायम करती आई हैं।
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का फैंस के साथ रिश्ता भी बेहद खास रहता है। वो अक्सर अपने फैंस से मिलते जुलते और बात करते दिखाई देते हैं। हाल ही में सलमान खान ने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी एक स्पेशल फैन पैरों से उनका चेहरा स्केच करती नजर आ रही है। सलमान ने इम्प्रेस होकर लिखा, गॉड ब्लेस, इस प्यार का बदला नहीं दे सकता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्फोटक न्यूज। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स।